मोहनदास करमचंद गांधी को जन्मे हुए करीब 150 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उनका प्रभाव न केवल पिछली सदी में रहा बल्कि अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। गांधी वो दार्शनिक हैं जो संभवतः कभी भी अप्रासंगिक नहीं होंगे। अगर हम गांधी की विचारधारा पर चिंतन करें तो जो बात उनको सबसे अलग और शाश्वत करती है वह है उनका सत्य और अहिंसा का दर्शन। अगर आप मानव के विकास का लाखों वर्ष का इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि वह हिंसा से भरा हुआ है। मानव जाति की कहानी दरअसल निरंतर युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का प्रारंभ असभ्य मानव के लिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत के अनुसार शायद क्षमा योग्य रहा होगा, किंतु सभ्यता के विकास के साथ यह कम होने के बजाय बढ़ता गया और अब अत्यंत बीमार मानसिकता की निशानी बन चुका है। घमंड, लालच, प्रतिशोध और घृणा के रथ पर सवार हिंसा का यह रथ बढ़ता ही जाता है। अपार कष्ट और कल्पनातीत यातना को भोगने के बाद भी युद्ध आज भी जीवित है। ऐसा लगता है कि बिना गांधी के दर्शन को अपनाए युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। एक युद्ध खत्म होता है, दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। सारी संधियां, सारे समझौते और सारे संगठन धरे रह जाते हैं, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं लेता। तो क्या यह तार्किक नहीं है कि अहिंसा को भी एक अवसर, एक मौका दिया जाए? गांधी के अहिंसा निष्क्रिय नहीं है और न ही कायरतापूर्ण है। वास्तव में अहिंसा बहुत साहसी, शक्तिशाली और सक्रिय विचार है। गांधी के इस चिंतन ने विश्व के अत्यंत बुद्धिमान और कर्मठ लोगों के मस्तिष्क को प्रभावित किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और अन्य सैकड़ों बुद्धिजीवी और समाजशास्त्री गांधी के अहिंसा दर्शन से बहुत प्रभावित रहे हैं। इस दर्शन के मूल में सत्य और विश्व मंगल है। हमारे साथ विकसित होने वाली अन्य सभी सभ्यताएं, यूनान, रोम और इजिप्ट समाप्त हो गईं, लेकिन हमारी सभ्यता निरंतर चली आ रही है। कहीं न कहीं इस निरंतरता में भारत की वह शक्ति निहित है जिसे गांधी ने अहिंसा और सत्य से संबोधित किया और अपनी विलक्षण मानसिक शक्ति से आगे बढ़ाया। इस समय संसार की लगभग सभी समस्याओं का हल सत्य और अहिंसा में छुपा हुआ नजर आता है। वैसे गांधी दर्शन का विरोध होता रहा है और संभवतः आगे भी होता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का आध्यात्मिक विकास गतिमान होगा गांधी दर्शन का विरोध भी कम होता जाएगा। हम भाग्यशाली हैं कि गांधी जैसे दार्शनिक की कर्मस्थली मुख्यतः भारत में रही है। गांधी विरोध 1948 में चरम पर पहुंचा और 30 जनवरी को गांधी का भौतिक शरीर निष्क्रिय हो गया। लेकिन गांधी दर्शन शाश्वत है। यह वारत है जो निश्चय ही हमें अंधकार के कीचड़ से बाहर खींच सकने की क्षमता रखता है। आज के दिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें गांधी दर्शन को समझने और अपनाने की शक्ति दे।